कुछ दिनों से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं व्लॉगिंग बनाना बंद कर दूं? और इसका जवाब बताता हूं क्यों। जैसे कि मेरा पहला वीडियो, मेरा इंट्रो वीडियो था, और उसमें आप मुझे देख सकते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस एंड मेरी आंखों पे जुनून। और सिर्फ मैं व्लॉगिंग ही क्यों चूज किया? ठहरा तो मैं एक आर्टिस्ट, नए लोगों को पता नहीं होगा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, पेंटिंग सिखाता हूँ और पेंटिंग सेल भी करता हूँ। तो मुझे आर्ट चैनल ओपन करना चाहिए था, तो मैं व्लॉगिंग पे क्यों आया? मैं व्लॉगिंग पे इसलिए आया बिकॉज माई लाइफ इज अनसर्टेन। अचानक से मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवल्स मीन्स डिफरेंट प्लेस मीन डिफरेंट पीपल, और डिफरेंट पीपल मीन डिफरेंट फूड, और कभी कभी बाइक राइड भी। सो ऐसा ही कुछ, सो आई चूज व्लॉगिंग। सो आप व्लॉगिंग में कुछ भी दिखा सकते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। माय फर्स्ट वीडियो इज माय इंट्रो वीडियो। स्लोली मैं और सारे व्लॉग्स बनाने लगा, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, फिटनेस व्लॉग, इन्फ्लुएंसिंग व्लॉग, पेंटिंग रिलेटेड व्लॉग, मोटिवेशन व्लॉग, डिफरेंट टाइप ऑफ व्लॉग्स बनाने लगा। और ये व्लॉग्स लोगों को पसंद भी आने लगे, और ग्रेजुअली मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे रिलेटिव्स को भी पता चल गया कि मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ। और इसी तरह से कुछ मेरा 100 सब्स भी कंप्लीट हो गए, बिकॉज थायरा में मिस्टर झासोड़ा थोड़ी सी पॉपुलरिटी भाई अपनी भी है। और मेरे सर्कल में मेरे हेटर्स से ज़्यादा मेरे लवर ज़्यादा मौजूद हैं, और इसी तरह से मेरे 1000 सब्स भी कंप्लीट हो गए। क्या है कि जब मैं कुछ काम करता हूँ उसके अंदर डीपली चले जाता हूँ, और मैं ये चीज़ रिकमेंड भी करता हूँ काफ़ी लोगों को कि अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो फुली फोकस के साथ करें। और इसी तरीके से यूट्यूब में मैं अंदर चले गया और मुझे कुछ यूट्यूब के अनोखे राज पता चल गए, जैसे कि CTR, वॉच टाइम, वायरल वीडियो, थंबनेल, इम्प्रेशन, अपलोडिंग टाइम, etc. इसके बारे में कभी दूसरे टाइम बात करेंगे बिकॉज ये एक लॉन्ग टॉपिक है। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, लेकिन मेरा वॉच कम आने लगा, मेरे व्यूज कम आने लगे। एग्जाम्पल जैसे होता ये है कि जैसे कि मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, वो यूट्यूब 5 लोगों को पहले रिकमेंड करेगा। अगर वो 5 लोग उसको प्रॉपरली विदाउट स्किप करके फोकस के साथ डायरेक्टली वो वीडियो को देखते हैं पूरा, तो वो रिकमेंडेशन में जाएगा दूसरे 5 लोगों को। इसी तरीके से इसका एल्गोरिदम बढ़ता है, और इसी तरीके से इसका रीच बढ़ता है। और मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और क्लोज कर देते हैं, और कुछ महान मेरे चाहते लोग वो ये करते हैं कि लाइक कर देते हैं, स्किप करते हैं, और जब वो फ्री होते हैं देन उसको वॉच करते हैं। मैं कई बार लोगों को ये बोला हूँ कि अगर आप जब फ्री होते हैं तब आप वीडियो को देखा कीजिए। इसका रीज़न है, बताता हूँ क्यों। जैसे कि मेरे व्यूअर्स लाइक कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं, और सेकंड पार्ट ये है कि लोग लाइक करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स जब वो फ्री होते हैं तब वो देखते हैं। इसमें से ये दोनों गलत है। इम्प्रेशन तो आ जाता है, व्यूज भी इवन आ जाता है, लेकिन वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। और जब आप डायरेक्टली क्लोज करते हैं तो यूट्यूब को ये लगता है कि वीडियो में दम नहीं है, और ये रिकमेंड नहीं करते दूसरे लोगों को, इसलिए काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं जाता। पहले मैं वीडियो को रैंडमली बनाता था, लेकिन अभी मैं वीडियो में 3 एलिमेंट्स यूज करता हूँ जो कि मेरे इंपॉर्टेंट है। 3 एलिमेंट्स मीन्स सबसे पहले मैं हैप्पीनेस ऐड करता हूँ, मोटिवेशन ऐड करता हूँ, एंड एक्साइटमेंट ऐड करता हूँ, जो कि वीडियो की लेवल को टॉप नॉच तक लेके जाता है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये जो 3 एलिमेंट्स है ये ह्यूमन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, और ये 3 चीज लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड करती है। उनको बस एंटरटेनमेंट ही नहीं देती, उनको देती है तो नॉलेज भी देती है, और उनसे मैं खुद भी बहुत कुछ सीख पाता हूँ। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो अच्छे से देखें, विदाउट स्किप करके देखें, फुल देखें। अगर उसमें कुछ मिस्टेक होता है तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप उसमें जाके कमेंट कर सकते हैं, और ये मेरा काम है कि आपके कमेंट को रीड करना, और जो डिफिकल्टीज है, जो उसमें प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। आप प्रॉपरली कमेंट करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और शेयर भी करें, या तो रियल ह्यूमन की तरह अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना सिलेक्शन होता है, और ये हर एक किसी का एक राइट होता है कि वो अपने पसंद को चूज करें, सिलेक्ट करें, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि वो अपने पसंद को चूज भी करें। और मेरा ग्रो करना और सपोर्ट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेहनत करना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेहनत फुल तरीके से करूँगा, अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स डालूंगा, स्क्रिप्ट लिखूंगा, 4K क्वालिटी ऐड करूंगा, थंबनेल बेस्ट बनाऊंगा, फुल क्वालिटी में डालूंगा एकदम वीडियो। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, और मैं मेहनत करने से जो डरता हूँ नहीं, मैं अपना काम करूंगा।
याद रखें, दोस्तों की निश्चिंत शंका की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो एक दोस्त जो निश्चिंत शंका को दूर कर सके। लास्ट टिप, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आते मेरे वीडियो को, तो एक आप काम कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन ऑफ करके देखें, फिर से आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा।